दिल्ली दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सीएम ने पिहोवा में जहां महासमागम में शिरकत की, तो वहीं लाडवा में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का चुनाव में जीतो और मेहनत करने पर आभार जताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। सबसे पहला कार्यक्रम लाडवा में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का, फिर रत्नावली का कार्यक्रम, उसके बाद संतों का समागम, उसमें भी शिरकत की, फिर दिल्ली दौरे पर पहुंचे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आए। लाडवा में सभी कार्यकर्ताओं से आज मिलना हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो इतनी गर्मी में मेहनत और पसीना बहाया है, डबल इंजन सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। आज मैं सभी कार्यकर्ताओं का यहां पर धन्यवाद करने के लिए यहां पर आया था। मैं लाडवा की तमाम जनता का भी, सभी सम्मानित लोगों का भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। देखिए, दिल्ली के लोग तो मलाई खाने वाले वो केजरीवाल साहब हैं, उसमें लोगों की समस्याएं तो दिखती नहीं। वो तो मलाई मलाई खाता है और मलाई खा के बोलता है, झूठ के पुलंदे खोलता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने पहली बार जब वो दिल्ली के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया था, उसका सबसे पहले बयान ये आया था कि मैं यमुना को क्लीन करूंगा, स्वच्छ करूंगा। सबसे बड़ा पोल्यूशन तो स्वयं केजरीवाल है कि उसको भी वो पूरा नहीं कर पाया। अब ये जो चुनाव वो दिल्ली के अंदर होगा, ये केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ वहां पर सरकार बनाएगी और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, जिस प्रकार से हरियाणा में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है, दिल्ली के अंदर भी करेंगे।